शहीद भगत सिंह के जीवन को प्रदर्शित करती हुई मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद कई दशक पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक गाना था, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल के। बिल्कुल इसी तर्ज पर भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से निकले अर्धसैनिक बल के अभ्यर्थी नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च के लिए निकले हैं। इन अभ्यर्थियों में वह बेटियां भी हैं जो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सुनती रहती हैं। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, सुदूर पूर्व उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 77 दिन के धरने के बाद नागपुर से दिल्ली निकले हैं। अग्निवीर और अग्निपथ के विरोध में युवाओं को ट्रेन जलाते हुए और तोड़फोड़ करते हुए आपने कई बार देखा होगा, पर शांतिप्रिय तरीके से इस देश का युवा लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। 2018 में इन नौजवानों का चयन अर्धसैनिक बल में चयन हुआ था। इनका मेडिकल भी हुआ जिसमें 55,912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। अभी 4,000 पद आज तक नहीं भरे गए हैं। अपनी व्यथा को लेकर ये युवा ताज नगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रातः दर्पण न्यूज के साथ अपने दर्द को साझा किया। जहां एक ओर पूरे देश में अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्धसैनिक बल के कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका 2018 में अर्धसैनिक बल में सिलेक्शन हो गया, पर सरकार की उदासीनता के चलते अभी तक इनको इनकी पोस्टिंग नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर लगातार ये युवा पिछले एक साल से धरना प्रदर्शन पर हैं। और इनका जज्बा ये देखिए कि ये नागपुर से चलकर दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं। 77 दिन नागपुर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद लगातार ये पैदल चलकर, ये देश का युवा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपने कैमरे पे, देश का युवा है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के संविधान, इस देश के मुस्तकबिलों को ये एहसास कराना चाहता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हम लगातार अपने मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका प्रोटेस्ट बड़ा शांतिपूर्वक है। अग्निवीर और अग्निवीर जैसी योजनाओं में जहां पूरे देश में तोड़फोड़ हुई, वहां ये युवा शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट सरकार के सामने करने पर उतार रहे। मेरे साथ कुछ युवा हैं, एक बार अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अमिता सलाम है, मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी एक ही मांग है कि जो 2018 में वैकेंसी निकली थी 60,210 पर, उसमें से 56,000 को भरा गया सर, और बाकी 4,000 सीट अभी भी खाली हैं सर। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी से, सभी सांसद से, सभी से नेताओं से यही मांग है कि जो युवा पैदल मार्च से, नागपुर से पैदल मार्च, जो कि आज पैदल मार्च का 44 दिन है, तो उनसे एक ही निवेदन कि उनको प्राथमिकता देते हुए वो सीट भरा जाए। पैदल मार्च आप कर रहे हैं रास्ते में, 44 दिन से लगातार चल रहे हैं, परेशानी आ रही होंगी, तबीयत खराब हो रही होगी, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? सर, परेशानी तो बहुत कुछ है सर, लेकिन परेशानियों से हम हार के पीछे तो हटने वाले नहीं हैं सर। और खाने पाने सर प्रशासन आते कर रही है, लेकिन जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना ज़्यादा तो वो नहीं रहता। आप लेडीज़ प्रॉब्लम समझ सकते हैं सर, कई कई ऐसे जगह रुकना होता है कि जहाँ मतलब लेडीज़ लोग का जाने का मतलब वो ही नहीं रखते, मंदिर हो गया, ये हो गया। आपका क्या नाम है? गौरव कुमार। गौरव, कहाँ से आप? बिहार से। कितना दिन हो गया, किस प्रकार का ये पूरा आपका प्रोटेस्ट है और क्या क्या मांगे हैं सरकार? हमारी प्रोटेस्ट नागपुर से शुरू हुई, नागपुर में लगभग 70 दिन हम आमरण अनशन पे थे, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की मंत्री के द्वारा इस आमरण अनशन को सुना नहीं गया। नितिन गडकरी के आवास पे भी आपने धरना प्रदर्शन किया है नागपुर पे, कोई वहाँ से आपको आश्वासन मिला, संतोषजनक जवाब मिला? कोई संतोषजनक जवाब तो नहीं मिला, बट वहाँ से आश्वासन नहीं दिया गया कि हम लोग अमित शाह जी से आपको मीटिंग करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रकार की ना मीटिंग हुई ना कोई प्रकार का हमें वहाँ से नोटिस आया कि इस प्रकार की मीटिंग हो सकती है। कितने दिन हो गए इस पूरे प्रोटेस्ट को करते हुए? इस पूरे प्रोटेस्ट को करते हुए यहाँ से लगभग हम 44 दिन तो आज हम पैदल चलते हुए होंगे, और 72 दिन वहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट किए हुए थे। अगर सरकार मांगे नहीं मांगे जी तो क्या करेंगे? सरकार मांगे नहीं मांगे तो क्या करेंगे? हम लोग का तो कोई है नहीं, क्योंकि हम लोग बोरेज हो चुके हैं, आगे का तो कोई हमारे पास भविष्य है नहीं, इसीलिए हम लोग जो रोड पर चल रहे हैं, वर्दी या अर्थी। ओके, वर्दी या अर्थी, आप कहाँ से? भी ये कहना है बिहार में, बारह जिला से।
अच्छा जीवन, ये जीवन कुमार, उज्जवल कुमार, उज्जवल कुमार, उज्जवल, ये बताइए कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और क्यों आखिर अग्निवीर का भी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सरने चलाई, आप शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों नहीं चलती? क्योंकि हम लोग रास्ते में परेशानियाँ बहुत सामना करना पड़ता है, जैसे संकरा रास्ता हो, कठी पहाड़ी वाली रास्ते हो, हर लड़के हैं, खास करके हमारे कॉलोनी के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, खाने का भी प्रॉब्लम होता है, पीने का भी प्रॉब्लम होता है, बाथरूम जाने का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो सब चीज़ों को हम झेलते हुए भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बस क्योंकि हमें देश सेवा करने की जज्बा है। आज आगरा जिला मुख्यालय पर है, क्या मांग है आपकी जिला मुख्यालय पर? हर जिला मुख्यालय पर आप जाके अपना ज्ञापन दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, तो कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं कोई पॉजिटिव वेव आ रही है? देखिए सर, हम लोग हर जिला अधिकारी को बता रहे हैं ताकि वो हमारी बात को आगे की ओर बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में भी हर सांसद को मिलने के लिए ताकि अब हम लोग आगरा तक आ चुके हैं, हर प्रशासन को हम लोग तो बता दे रहे हैं कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ये देश का मुस्तकबिल है, ये देश का भविष्य है और इनका सीधा तौर पर कहना है वर्दी या अर्थी, अर्धसैनिक बल में सिलेक्शन हो गया है, ओवर एज भी हो गए हैं, अपनी बात कहने के लिए सांसद, विधायक, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक अपनी बातें पहुंचा चुके हैं और शांतिपूर्ण ढंग से नागपुर से दिल्ली तक का ये पैदल मार्च आज आगरा कर रुका है, जहां पर इन युवाओं का जोश अभी तक ठंडा नहीं है, पर अब देखने वाली बात ये होगी कि इस देश के जो रहनुमा हैं, इस देश के जो अहले सियासत हैं, वो इन लोगों के लिए क्या एहतियात कदम उठाते हैं। अपने साथी रंजीत चौहान के साथ में अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।